अलादा नाई देर न लावी हाण दे सजना पाकिस्तान में मौसीकी की जब भी बात होगी, जब भी मौसीकी का जिक्र होगा, जब भी फिल्मी म्यूजिक की बात होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि मास्टर अब्दुल्ला के जिक्र के बगैर वो मुकम्मल हो जाए। मास्टर अब्दुल्ला एक लेजेंडरी मौसीकार जिन्होंने ऐसी ऐसी नाकाबले फरामोश धुनें तख्लीक की जिस पर आज भी सुनकर लोग सर धुनते हैं। और मैडम नूरजहां जिन्हें मलका तरन्नुम कहा जाता है, उनके लिए मास्टर अब्दुल्ला का साथ उनकी कामयाबी और तरक्की में एक ऐसा मजबूत स्तून था कि अगर मास्टर अब्दुल्ला के दिए हुए म्यूजिक को मैडम के कैरियर से निकाल दिया जाए तो शायद शायद मैडम के हिस्से में बहुत कम काम आता। मैडम जो अपने फन में ताक थी, मास्टर अब्दुल्ला जो तख्लीक में ताक थे, बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन रहा। मास्टर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नाकाबले फरामोश खिदमत सर अंजाम दी। म्यूजिक के हवाले से उनकी बहुत सारी खिदमत है। आज हमारे स्टूडियोज में मास्टर अब्दुल्ला साहब के साहबजादे इखलाक अहमद साहब मौजूद हैं। और गुज़श्ता ही रोज़ मेरा इनसे रब्ता हुआ और एक ऐसे मौजू पर बात हो रही थी जो हमारे इंटरव्यू का हिस्सा है। आप देख रहे हैं एच डी इंटरटेनमेंट, मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन, और आज हम ईद के हवाले से, मौसीकी के हवाले से एक ऐसा मुद्दा भी उठाने जा रहे हैं, एक ऐसा मामला उठाने जा रहे हैं जो शायद दुनिया की नज़र में अभी तक नहीं आ सका। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम इखलाक साहब बहुत शुक्रिया तुझी बेला कटिया और साढ़े स्टूडियो तशरीफ ले आए। मास्टर अब्दुल्ला साहब का नाँ जित आंदा है और लाजमी गल है, तुम तो उन्होंने औलाद हो, ताे तो बहुत फखर की गल है। मास्टर अब्दुल्ला एवं तो नहीं बन जाता? मां साहब 11-12 साल की उम्र में यतीम हो गए थे, वाल साहब फोत हो गए थे। वाल साहब उनके कवालों के साथ तबला बजाते, और तबला बजाते बजाते उन्होंने अपने बेटे को बड़े गुलाम अली खान साहब का शिगिर्द कर दिया। मास्टर अब्दुल्ला साहब, ठीक, मास्टर अब्दुल्ला साहब का असल नाम है सादिक अली। सही, असल नाम है सादिक अली। अच्छा अच्छा। और अब्दुल्ला प्यार से कहते थे, उर्फ नाम अब्दुल्ला था, ठीक, वो चला उर्फ चला है, सही नाम सादिक अली था। सही। तो बड़े गुलाम अली खान साहब के शिगिर्द थे, वहाँ से उन्होंने नॉलेज लिया। तो करते 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 चार बहने थी मास्टर साहब की, चार तीन भाई थे, कुल टोटल ये चार भाई थे। ठीक। एक भाई जो है वो बाजा बजाता था, ठीक, एक भाई था वो दफ्तर में था, ये अपने कॉलेज के सामने जो लड़कियों का कॉलेज है, जी जी, यहाँ पे। अच्छा। मुबारक अली साहब उनका नाम था, और नजर साहब जो थे वो हारमोनियम बजाते थे। ठीक। तो उम्मीद अली साहब उर्फ बिल्ला, वो मेरे वालिद साहब का सजा बाजू था। अच्छा। वो उनके साथ जो सिस्टर मौसीकार भी थे, ठीक, तो उनके साथ काफ़ी, जब मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम से मुनव्वर शरीफ और मास्टर अब्दुल्ला साहब पहली मरतबा फर्स्ट गाना लेकर अपना दुख भी और दुआ भी लेकर गए। वो पहला गाना था सुनते जावे जुग जुग जी में, दुख किसे मर जाने का, ना मैं जूनी ना मैं मोई ककड़ी रह जाने का, ये पहला गाना तैयार किया। सही। तो पहलवान साहब अच्छा शुक्र वाला, ये सबसे पहले प्रोड्यूसर है मेरे वालिद साहब। ठीक। और इन्होंने कहा, अगर उन्होंने कहा कि पहलवान जी असी फिल्म बनावे, सही, पहलवान साहब ने कहा वाह भी वाह, माँ साहब ने कहा वाह भी वाह, फिल्म का नाम आएगा। अच्छा। पहलवान साहब ने मैडम नूरजहां को फ़ोन किया कि अब्दुल्ला और मुनव्वर आ रहे हैं, मैं फिल्म बना रहा हूँ। सही। तो उनसे रिहर्सल कर लो, वो गाना सीख कराओ, तो मैं सही काम कराऊँगा। मास्टर अब्दुल्ला साहब और मुनव्वर जी साहब ढोलक पे थे, मुनव्वर जी साहब जो है वो ढोलक बहुत अच्छी बजाते थे। ठीक। उस वक्त वो ड्रामों में और उस वक्त अभी फिल्मों में नहीं आए, दोनों ही कुछ नहीं थे। ठीक। तो ये मैडम नूरजहां के घर के गुलबर्ग कोठी में, तो जब वहाँ पे गए तो मैडम जी जो है वो बैठे हुए, उन्होंने कहा सुनाओ भी ताटे बोलो की है। ठीक। उनकी गुफ्तगू ऐसी थी मैडम जी थी, कहते सुनाओ ताटे बोलो की है। सही। मां साहब को ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगी। अच्छा।
उस वक्त मास्टर साहब नहीं थे, ठीक, खाली मुनव्वर शरीफ और अब्दुल्ला थे, ठीक, उस वक्त मास्टर अब्दुल्ला नहीं थे, बिल्कुल, जाहिर है करियर का आगाज था, मलका तरन्नम थी, अच्छा मलका तरन्नम थी उस वक्त, उन्होंने तराने का उसका नाम बन चुका था, उनका नाम बन चुका था, तरानों में काम था, ठीक, पाकिस्तान मिलिट्री फौज में, सही, तो मां साहब बड़े हैरान हुए, तो उनको उस वक्त ये आमद हो गई, अच्छा, तो उन्होंने जब आमद हो गई तो उन्होंने उनके मुंह के ऊपर ही कह दिया, ये जीना क्या जीना, अच्छा, ये जीना क्या जीना, क्या जीना, रहा प्रीत का गीत अधूरा, टूट गई मन बीना, बड़ी भूल हुई तुझे मीत बनाया, ये क्या किया, बड़े प्यार से दगा दिया तूने जालमा नैन मिलाकर, ये फर्स्ट टाइम मास्टर साहब मौके पे ही हो गया, ये मौके सर। पे, अच्छा, अब मैडम जी सोफे पे बैठी हुई थी, ये क्लीन पे बैठे हुए थे, मैडम जी सोफे से उतर कर क्लीन पे आ गए, जी दोबारा दसो किसने हर गए, ठीक, उसके बाद मास्टर साहब ने जितने गाने बनाए, सही, मैडम के सुर का उनको पता चल गया हुआ था, ठीक, अब वो मैडम के सुर से एक सुर ऊपर रखते थे, अच्छा, जब रिहर्सल कराते थे ना, सही, जब रिहर्सल कराते थे तो मास्टर साहब एक सुर ऊपर रख लेते थे, अच्छा, वो मैडम साहब से कहा नहीं जाता था, अच्छा, फिर मैडम जी 5,000 रुपये मेरे वालिद साहब को देती थी, सुर थल्ले का, सुर थल्ले का, अच्छा, वो जो मैडम जी 25,000 रुपये गाने का लेती थी, अच्छा, वो 25,000 रुपये से 5,000 रुपये मेरे वालिद साहब को देती थी, अच्छा, क्यों सुरे का गाने, अच्छा, ठीक, गाली, ठीक, फिर मेरे वालिद साहब सुनते हुआ करते हुए गाते थे, अच्छा, इनका आपस में बहुत प्यार था, ठीक, मगर ये बहन भाई नहीं थे, अच्छा, जैसे कि कहा जाता निशो ने कहा है कि ये तो बहन भाई है, अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ निशो का ये इंटरव्यू सुनकर, तो बहन मेरी भाई माँ है, मेरी आंटी है, अच्छा, अच्छा, मगर मुझे दुख हुआ कि आपसे तो हमने आज तक पिक्चर ही कोई नहीं बनाई, आप तो हमारी पिक्चर में कोई नहीं आई हुई, ठीक, मेरे वाले साहब की तो पिछले जितनी भी है वो तरीकी पिछड़े हैं, मलंगी लाडो जिद्दी श्री निशो तो उनमें कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, नीलो जी है, सही, मुमताज है, जुमुर्द है, फरदोस है, शीरी है, सही, ये नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ना संगीता को पता है, ना इसको पता है, इन्होंने ये अपने पास से कोई बात बनाए तुम मेरी दरखास्त है ना बनाया आइंदा ना, अब मेरा ख्याल बनाएगी भी नहीं, हां बड़ी मेहरबानी, जो कह दिया कि वो नहीं थे तो उसके बाद मेहरबानी है ना, ठीक ठीक, और हम क्या कह सकते हैं, सही, इनको मान है दौलत पे, हमें मान है काम पे, हम काम से झगड़ा करते हैं, ये दौलत से झगड़ा करते हैं, अच्छा, मैडम के साथ उनके मास्टर साहब के हो गया मामला और काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, गाना सुपरहिट हो गया, रात को गाना चल गया, मास्टर साहब हो गए, सही, सबने उस वक्त फिर आगे शरीफ नमाज जब बनी वहाँ पे मेरे वालिद साहब को मास्टर अवार्ड मिला, ठीक, वो चौधरी अजमल साहब की पिक्चर थी, ठीक, चौधरी अजमल साहब बहुत अच्छे इंसान, वेरी गुड, उन्होंने 80 में मेरे वालिद साहब को मकान बना कर दिया, वो इतने अच्छे इंसान थे कि मास्टर अब्दुल्ला के पास घर होना चाहिए, ठीक, तो उन्होंने 80 में चौधरी अजमल साहब ने घर बना कर दिया जिसमें हमने रैश की, पहले हम किराए पे रहते थे मकान, ठीक, फिर हम इधर आ गए, अब भी उधर ही, अब फिर हालात के मुताबिक फिर कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, अब तो सच तो ये है झूठ बोलने का फायदा, सही, अब तुम दर पे दर, दर पे दर हैं, खुदा की नगरी में रहते हैं, सही, तो बस ऐसे ही चलता रहा। मिस्टर अब्दुल्ला ने काम तो बहुत किया है कराची, बहुत जबरदस्त काम किया, उस वक्त ना इतने पैसे नहीं मिलते थे, ठीक, वो जितने मिलते थे वो इंसान दाल रोटी फैमिली बचे तो दाल रोटी खा सकता था, इतने पैसे नहीं होते थे। मास्टर अब्दुल्ला साहब का नूरजहां के साथ बहुत ज्यादा काम, मलका साहब, उसके अलावा उन्होंने किसी को क्यों इस काबिल नहीं समझा, उस वक्त और भी बहुत सारे नहीं, मेरे वाले उन्होंने बड़ी खसूसी तवज्जो दी, वो अगर बात करूंगा तो मैं नहीं करना चाहता कुछ ऐसी बातें, मेरे वाले साहब ने माला से गाना गवाया, रूना लैला से गाना गवाया, शायदा मिनी से गाना गवाया, मैं नाज को आगे लेकर आए, मेरे वाले साहब तो इन सिंगरों को लेकर आए हैं जिन्हों को कोई आगे नहीं आने देता, तो इनसे मेरे वाले साहब ने गाने गवाए हैं, सही,
पहलवान साहब थे जब, अच्छा शुक्र वाला वो मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे मोहसिन थे, बल्कि यहाँ तक कि जिस दिन पहलवान साहब फोत हुए ना तो मास्टर अब्दुल्ला ने मुझे आकर कहा है इखलाक आज मैं यतीम हो गया जिस दिन पहलवान साहब फोत हुए। आपका कितना नंबर है बहन भाई? मेरा दूसरा नंबर है। आप दूसरे? हाँ, मेरा बड़ा भाई आफ्ताब अहमद साहब फोत हो गए। अच्छा, वो भी तो अब आप मास्टर अब्दुल्ला साहब का जो काम है उसको लेके आप चल रहे हैं। देखे जी, मैं तो नहीं उनका काम लेके चल सकता, लेकिन मेरे अंदर से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि जो मैं कहता हूँ कि यार ये मैं करूँ। अभी ये मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप सुनाएंगे। जी बिल्कुल चलाएंगे हम। आगे दुनिया की मर्जी है, वो पसंद करे ना करे, मुझे जो आमद होती है वो मैं बना देता हूँ। नहीं तो यकीनन जाहिर है आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप मास्टर अब्दुल्ला के साथ गाते हैं, तो उनका जो फन है हाँ वो इतना बड़ा है, क्या आप समझते हैं कि उस फन को लेके आगे चलना क्यों इतना मुश्किल? उनका फन जो है ना जी जी, उनमें बड़ी उन्होंने मुसीबतें देखी हुई हैं, बड़ी मारें खाई हुई हैं। हकायक में जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये आदमी मास्टर अब्दुल्ला था, इतनी मुश्किल मेहनत है मास्टर साहब की। हकीकत में चार बहनें ब्यानी थी, एक बहन की जब शादी थी आखिरी की तो उस वक्त उन्होंने बात करी लगी हुई है जी। सका ताया कह रहा है कि एक मिनट होया नहीं है, वो लेकर आओगे तो होगी। तो मास्टर साहब की उस वक्त तो गरीबी दौर था, फोड़ी पैसे का कोई चौधरी कर सकता, इतना कोई और कर सकता। मास्टर साहब ने फिर ऐसा काम करना पे इज्जत की खातर कि जिन्हें चुनाव उस वक्त हथकड़ी ला गई, थानेदार ने हथकड़ी ला ली थी, उन्हें कहा डोली टोड़ रहा हूँ मैं तेरे नाल टुट पैना। मास्टर साहब की तो तरीक जो है ना बहुत मुश्किल है, हकीकत बताए ना तो सारी दुनिया दुश्मन हो जाएगी। श्री एक कट पीस में मैं आपको ना वो बातें बता रहा हूँ कि जिनमें किसी के दिल शिकवी ना हो, ठीक तो ये ना कहे कि यार ये बात क्यों की है। मास्टर अब्दुल्ला साहब जब काम कर रहे थे अरूज पे थे तो आप उस दौर में उनके साथ थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जब मास्टर साहब अरूज पे थे तो मैं तो उसका छोटा सा था। नहीं मेरा मतलब आप जैसे मास्टर अब्दुल्ला साहब ने 10 साल की उम्र में आप सीखना शुरू कर दिया, आपने उनके साथ आना जाना महफिलों में शुरू किया, स्टूडियो जाते थे आप, वहाँ पे गाना होता था, मुझे मास्टर साहब जो है चेयर्स पे बिठा देते थे, बाकी वो काम करते थे। उस वक्त तो ना म्यूजिशियन जो होते थे 80 म्यूजिशियन है, 70 म्यूजिशियन है, इन सबको मास्टर साहब बैठ कर बताता था कि तुमने इस टाइम पे ये बजाना है, इस टाइम पे ये बजाना है, तुमने ये बजाना है, तुमने ये बजाना है, जैसे मैंने देखा होगा। फिर लास्ट पे मैडम साहब को रिहर्सल कराते थे, फिर वो टेक करते थे। मास्टर साहब का मैडम साहब के साथ साहिबा के साथ बहुत नाम जुड़ा रहा, काम के हवाले से भी और वैसे भी। आप ज़ाहिर साहब जाते हैं, आपने अभी आपने तरदीद की कि निशो ने कहा कि वो बहन भाई नहीं थे, आप कहते हैं नहीं थे, तो क्या थे? एक फनकार थे, दोनों फनकार थे, अपने फन का गुजारा पेश करते थे, वो अपना करते थे, वो अपना करते थे, ठीक हो। तो इससे ये नहीं होते कि रिश्तेदारियाँ। हाँ जी, अब मास्टर नैज साहब हैं, वो मास्टर अब्दुल्ला साहब के मामे के बेटे हैं, ठीक। मास्टर अब्दुल्ला साहब उनके पुपी का बेटा है, ठीक। ये मास्टर अब्दुल्ला का नानका है, ठीक। ये मेरे चाचे ताबो बरादरान का नहीं कुछ लगते, ठीक। ये दूसरी तरफ से हिंदू से, ठीक। मास्टर अब्दुल्ला ताबो बरादरान ये एक परदादे की औलाद है, ठीक। ये खानदान है, सही। अब मुझे वो इतना प्यार करते हैं ताबो साहब कि मैं उनकी सालगिरह पे गया हूँ, वो अपने बच्चों को कहते थे इखलाक को ये डाल दे दो, इखलाक को ये डाल दे दो, इखलाक है ये करो वो करो, ये प्यार ही है ना जी। बिल्कुल। वाजिद अली खान साहब उनके बेटे मेरे पे जान देते हैं, खुदा उनको जिंदगी दे उनको। अच्छा, इखलाक साहब बहुत सारे लोग जैसे आप ताफू साहब की बात कर ले, ताफू साहब के बच्चे उनका काम लेकर चले, तारक ने गाने भी गाए, अब स्टूडियोज भी चला रहे हैं, और मेरा ख्याल है ताफू साहब उन्हीं के पास होते हैं। उनके एक और बेटे हैं सज्जाद जो गिटारिस्ट हैं, वो भी जहाँ जिस जगह भी होते हैं वो जिक्र करते हैं अपने वालिद का, और वो काम भी वही कर रहे हैं। तो आप तो एक बहुत बड़े मौसीकार बाप की औलाद है। मज़हब ने ना अपनी औलाद को ना फ्रिज पे नहीं आने, खुद जानबूझ के नहीं आने चाहिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक। उन प्रॉब्लम की वजह से ना मास साहब जो है शहर से उठा कर अपने जंगल में ले आए थे। अच्छा, बैसों में गुजरों में, ताकि हमारा माइंड जो है ना वो चेंज हो जाए।
अच्छा हो गया चेंज फिर? हाँ जी वो चेंज तो हो गया, लेकिन वो जो अंदर ब्लड है हाँ, वो तो वो गर्दिश करता है, तो काम कर दिखाएगा अपना, वो नहीं चेंज हो रहा, वो तो हम चेंज हो गए, हम वैसे हो गए। वो तो हम में आ गया। अच्छा, लेकिन खान साहब फैमिली हो तो वो इस तरह कैसे कर? यही तो मैं सब बना दिया, ये उनकी उसादी है। अच्छा, ये उनकी उसादी है। तो क्यों ऐसा वो करना चाह रहे थे? वो इसलिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री को देखना बहुत तंग थे। फिल्म इंडस्ट्री ने तो बहुत नाम दिया उनको, बड़ा मुकाम दिया, तंग क्यों थे? जो उनके आइन थे, जो उनके काम करने का तरीका था, वो ठीक नहीं उन्हें लगता था। अच्छा। यानी कि अगर आप कोई ये चीज का काम कर रहे हैं तो इसके साथ आप एक गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी बात मास्टर साहब की हमारे व्यूअर्स को सुनाए कि उनका कोई ऐसी तख्लीक के बारे में, कोई ऐसा गाना जो सुपर डुपर हुआ और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में वो काम किया। हाँ जी, वो मास्टर बुल्ला साहब बताते हैं, रात को 2 बजे गाना बना रहे थे पतन चना दे जंगल बिल्ली। अच्छा, मजियां देन तो है। सही, मास्टर कहते हैं भाई चीज़ें आ गई। अच्छा, रात को 2 बजे मैं बना रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ। अच्छा, तो हवाई चीज़ें आ गई है, तो वो आकर कहती है बजाइया बजाइया, तो लिया, बड़ा ही मजा आता है। कहता जब एक दफा बाद आई तो मैंने इधर उधर देखा, कोई चीज नजर नहीं आई। अच्छा, कहता फिर मैं शुरू हुआ। सही, तो फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, बजाइया बजाइया दुल्हे, बड़ा मजा आया। सही, जब तीसरी दफा आवाज आई तो मास्टर साहब इंसान थे। ये हकीकत, मतलब उनका म्यूजिक सिर्फ इंसानों पे नहीं, हवाई चीजों पे भी असर करता था। अच्छा, अब उनका जब इंतकाल होता है, हाँ जी हाँ जी, तो आपकी फैमिली में उनके काम को लेके आगे चलने वाला कोई नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरे इम्तियाज अहमद उर्फ मग्गे खान साहब पहले काले के गुए मास्टर साहब बना कर गए थे। अच्छा, उनको चांस, आपके भाई थे? हाँ जी। अच्छा, उनको चांस ना मिलने की वजह से वो लोगों ने पागल कहना शुरू हो गया। अच्छा, कि वो कितनी देर ना लोगों ने उनसे पागल कहा, वो पागल नहीं था। अच्छा, वो तो तर्जे मनाता था। ठीक, अभी भी उनकी तर्जे चल रही है, मेरे मुर्शिद पाक मीर जरे बदल देने तकदीर, ये मेरे मग्गे खान साहब ने बनाई है, कितनी धमाले बनाई। छोटे हैं आप से? ये छोटे हैं। अच्छा, मेरे 3 बहनों के पास पैदा हुए। अच्छा, ठीक, तो इसका नाम रखा था मग्गे खान। ठीक, जब ये पैदा हुआ था ना तो मास्टर साहब ने इसका माशू किया। अच्छा, तो जब माशू किया तो इसका माशू मीठा था। अच्छा, तो वहाँ पे मास्टर साहब कहते मग तेरा मीठा है गुलाम कादरा। अच्छा, चिल्ला बात तो दिखा है गुलाम कादरा। तो ये माँ साहब ने मग्गे खान को बड़ा तैयार किया हुआ था। अच्छा, उसको मेहनत करके सही बड़ा एक लंबर तैयार किया हुआ था, लेकिन नहीं पसंद आए लोगों को, उन्होंने नहीं हमें आगे जाने दिया। कई लोगों ने, मैं नाम तो लूंगा नहीं, एक मौसीकार थे, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब की कॉपी की, तो मेरे वालिद साहब की कॉपी की, तो मेरे वालिद साहब जाकर कहते यार है तू की करना है, उन्होंने कहा मास्टर जी मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। अच्छा, तो मास्टर अब्दुल्ला साहब कहते रहे मेरे बिल्ली के बच्चे ने। हाँ, मेरे भी तो बच्चे हैं। तो जब मास्टर साहब फोत हुए हैं, हमारी जोड़ी जो कर दुआ है उनको, वसीम मजर साहब वेरी गुड एज ग्रेट मैन, जिन्होंने कफन तक मेरे वाले साहब को, और फेम मजर, फेम मजर ने ऐसे काम किया हुआ मेरे वाले साहब की फोत की पे, कि आखिरी कोड़ा बट्टा भी जरा है ना फेम साहब से मैं लैके आया नान पकौड़े, क्योंकि कोड़ा बट्टा होता नान पकौड़े, अज तो बदल गया ना, दौड़ लोग चावल खुवाते हैं, असल कोड़ा बट्टा है नान पकौड़े जरे कि मैं अपने वाल साहब के फेम से मैं दोबा ने ऐसी तकसीम। हमारे लिए मौसन है वसीम अजहर सतारा शाह, जब वाल साहब फोत हो गए, जिन्होंने हमें अब तक हम है सतारा शाह जो मैडम है, वो मेरी वालदा की बेटी बनी थी, हमारे मोहल्ले में ही रहते थे। अच्छा अच्छा, ठीक, उसने बहुत ख्याल किया, अल्लाह उसको अजल दे इसका, मौला पेंशन पा, सारा शाह ने मेरी वालदा का बहुत ख्याल किया, इतना ख्याल किया कि मैं जितना झूठ बोल लूँ ना उतना कम। अच्छा इफ़ाक साहब,
हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं जो हमने शुरू में बात जी कि हमारे यहाँ जैसे आपने खुद बताया कि तर्जें चोरी करना मामूल है, इस तरह की आम सी बात है, और चूंकि कॉपीराइट एक्ट पे लोग उस तरह नहीं जाते, कानून बना हुआ है लेकिन उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, और बहुत कुछ होता है। खासतौर पर हम तो ये कहते हैं जी इंडिया में हमें बहुत कॉपी किया गया, हमने भी आपस में भी कुछ काम नहीं किया एक दूसरे की। मेरे पास को तो इंडिया ने भी कॉपी किया है, मुझे पढ़ना लिखना सिखा, चल चलिए दुनिया की उस नौकरी जितने बंदा ना बंदे साथ उसको कॉपी की है, अरब ने कॉपी किया है, छठ मेरी बेनी ना मरो, जो अरब का सिंगर है उसने मेरे वाले साहब का ये गाना गाया हुआ है, वो तर्ज उन्होंने। जी जी जी, हमारे यहाँ भी इस तरह के इश्यूज हैं चोरी करने। जी हाँ, बहुत ज्यादा। हम आपको जाती जिंदगी में ऐसा कोई तजुर्बा है जो पहले जिक्र कर रहे थे? मैंने ये बनाया तुम सामने बैठा के तस्वीर बनाना, ये आज से मैंने कोई 20-25 साल पहले का बनाया हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। ठीक, म्यूजिशनों ने भी पैसे लेने हैं, स्टूडियो ने भी पैसे लेने हैं, सिंगर ने भी पैसे लेने हैं, मेरे पास नहीं है, मैं ना मैं चोर हूँ ना मैं डाकू हूँ ना मैं किसी को कुछ कह सकता हूँ। ठीक, मैं तो अपना जैसे। अच्छा, ये आपने आपने कैसे बनाया था ये वाक्य गया? ये जब मैंने बनाया है ना आ तनु सैर करावा जी जी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाचा ताफो जी जो है वो डॉक्टर रफी साहब के पास लेटे हुए, डॉक्टर रफी साहब भी गवाए चीज, और एक इनका शागिर्द और एक इनका ड्राइवर और तारक ताफो साहब भी खड़े हुए हैं वहाँ। तो मैंने चाचा ताफो साहब को ना सहाने की खातर उसी वक्त मुझे आमद हुई है, मैं क्या तनु जैल करावा आ तनु लोर बहावा आ मिनारे पाकिस्तान जनावा तनु मैं ते गल दिल सुनावा। ये मैंने चाचा ताफो साहब के ऊपर फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं अपने मोहल्ले में शुरू रहा, काफी लोगों ने सुना, कई लोग इस चीज के तरह वो गाना बनता भी गया है जी, थोड़ा आगे बढ़ता भी गया होगा गाना, बढ़ता रहता है जैसे जैसे ख्याल जी जी बिल्कुल ऐसे। तो वो मैंने किया, बाद में मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसका जवाब भी बना दिया। नहीं, ये आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने कहीं इसको परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ जी, ये बाबा गुलजार शाह का मेला था, आरफ लोहार साहब के नाना जी का दरबार है, आरफ लोहार नहीं वहाँ था। अच्छा, इनके बाकी सब थे, उन्होंने मेरी मूवी भी बनाई। अच्छा, वहाँ पे आपने परफॉर्म किया? हाँ, मैंने ये ना वो ढोल बज रहा था, ठीक, वो ढोल वो ढेगा ला रहा था, ठीक, मैं उन्होंने बिट्टी चलिया दिखा तो उन्होंने मैं कीता, मैं यहाँ भी जावा तनु लाइन कर रहा तनु मैंने उसको ऐसे पीट दी ढोल वाले को, ठीक, वहाँ पे मैंने सिर्फ इतने पीस का है, इससे आगे नहीं आगे नहीं गया, ठीक, वो रिकॉर्ड किया हो गया, वो लोग पिछले बना रहे थे वहाँ वीडियो में बन रहा होगा, ठीक हो गया, उनके कई अजीज जो है ना उनको बहुत कैमरे में निकल वो बना रहे थे, मैंने वो देखा। अच्छा, मैं चला गया, कुछ देर के बाद मैं सुनिया थी वो थे यार थे मेरा है, मैंने उनको कहा भाई ये तो मेरा है, अच्छा गाल ही नहीं सुनते, मैं यार अल्लाह वार्स ये तो मेरा अपना है, आरब साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उनका काम पसंद आया है, मुझे उसका बेटा लड्डू बहुत अच्छा लगा है, जब उसने जब उसने सर मारा है तो उसके ने अपने दादे वाला सर मारा है, क्योंकि मैंने उनके दादे को भी देखा हुआ है, उस वक्त थिएटर दौड़ता बाटी चौक में थिएटर लगा था, एक बशीर लोहार तो एक आलम लोहार तो एक अपना उसका लगा होता था क्या वाली जट्ठी टैडी नताना, ये चार सेट लगे होते दोस्तों जब मेले होते थे ना यहाँ पे लाहौर में, तो वो बड़े मेले होते थे, अब तो छोटे। अच्छा, मेले होते आपने आरिफ साहब से ये गिला किया कि ये आपका? नहीं, मुझे आरिफ साहब मिले नहीं है। अच्छा, उनके जो अजीजा कार हैं वो मिले हैं, मैंने उनको कहा वो अजीब बातें करते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ाते हैं। अच्छा, जब मुझे गुस्सा चढ़ाया तो मैंने फिर बना दिया जा 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 तू रब खोलो फन चोरी करके कमाना है तुम देखे बताइए जा 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 तू रब गुलो पा फन चोरी करके कमाना है तू ना ऐसी रोटी को लो रबा तू बचा झूठ बोल के ऐसी करना है कि ना जा 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 तू रब गुलो पा दसो मेरी भैन दसो भरा इन्हों हूं मैं की कहा ना भी गाना चाह तू कभी बनाया ही कभी अबे का कभी लोगों का गाए फिर मैं मास्टर बुलागा बेटा मुझे जो आमद होनी है वो मैंने कहनी है इसको ना कोई डक सकता है तो ना कोई रोक सकता है
हाँ ये बात सच, तेरी मेरी कोई नहीं है लड़ाई, फन दी ये गल मैं फन ही सुनाई, इसलिए तो इंडिया लंदन नु बुलाया है, फैसला मैं इन्हां दे कोलो कराया है। जा 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 तू खबर, फिर मैंने ये बना दिए, फिर मुझे चाचा ताऊ साहब वगैरह के बेटों ने, तारिक ताऊ ने, साहिर अली बगे ने, उन्होंने कहा यार समझाया उन्होंने कहा ला साडा बड़ा अच्छा जी है, साढ़े ना बड़ा प्यार है उन्होंने, तो तू इन थप कर दे। सही, मैंने उसको थप कर दिया। ठीक हो गया लेडी व्यूअर्स, अभी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं पर ठप करते हैं। अखलाक साहब ने जो एक सच्चाई बयान की है, जो तारीखी सच्चाई है, ख़ासतौर पर एक ऐसे गाने के वाले से जो इस वक्त बिलियंस में देखा गया है, बिलियंस में सुना गया है, और शायद अरब लॉर साहब नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर अच्छे हैं, लेकिन उनका कोई गाना शायद इससे कबल इस हद तक पॉपुलर हुआ हो और इस पर इतनी मीम्स और इतना सब कुछ बना है। उसकी तर्ज बड़ी कमाल है, लेकिन उस तर्ज की हकीकत आज ये खुली है कि वो मास्टर अब्दुल्ला के साहबजादे अखलाक अहमद साहब जो इस वक्त मास्टर अब्दुल्ला के फ़न को लेकर चल रहे हैं। हम आपको इसमें उनकी बनाई हुई तर्जें भी सुनाएंगे और ये गुफ्तगू का सिलसिला अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अखलाक अहमद साहब ने ये साबित किया कि आ तेनु सैर करावा वो क्यों बना, कैसे बना और क्या सिलसिला।
ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦਰਦ ਫਿਰਾਕ ਦੀ ਪੀ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾ ਸਜਣਾ ਤੋਤਾ ਮੇਰੀ ਕਦਰ